सब जान ही निकाल के रख दी थी तुम, अब कैसी? बेहतर शायद। तुम्हें इस हालत में देखकर पता है मुझे कैसा लगा? कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया, जैसे मुझसे वाकई कोई बहुत बड़ी भूल। मैंने इस सोच भी कैसे लिया कि इस दौर में, इस माशरे में हम अपनी मर्जी से एक दिन भी गुजार सकते? हमारी मर्जी के दिन गुजर गए रईस, हम गुजर गए। ये कह रही हूं तुम, मैं बाहर जाता हूं तो लोग आवाजें लगाते हैं जैसे मैं गुनाहगार, तुम अपने कमरे में बंद पड़ी हो जैसे तुमसे भी कोई गुनाह हो गया। आसिफ तुमसे खफा है, मुझसे खफा है, और हम उसे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जैसे वाकई हमसे कोई गुनाह हो गया। दौड़ कर भी क्या सकते हैं एक्सक्यूजेस ना दें तो? हमारे पास कोई जवाब, कोई दलील कुछ भी तो नहीं है। कुछ कहने से हमारी जो रुसवाई है वो खत्म हो जाएगी। ये जो रुसवाई का दाग है ना, ये नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। लोगों को जवाब हमने खुद दिया है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनके तानों का। कौन लोग निगाह, कहां है वो लोग और पहले कहां थे? ये सब लोग तो यहां है, इंटरनेट से कनेक्टेड। हमारे दौर में इंटरनेट नहीं था, इस दौर में है, और हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए थी। हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए निगाह, क्योंकि हमें जीना है, हमें खुश रहना है, एक दूसरे के लिए खुश रहना है। तुम मुझे खो दोगे और मैं तुम्हें खो दूंगा, फिर हम जी नहीं पाएंगे। ये डिजिटल बिहेवियर हमसे हमारा अपनापन नहीं छीन सकता निगार। नहीं रईस, अब हिम्मत नहीं है अपने मुताबिक जीने की। बस ये एक दिन ही काफी था याद दिलाने के लिए कि हमारा दौर गुजर चुका है, ये हमारा दौर नहीं है। से बहुत मोहब्बत करता हूं निकाल, तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मेरे लिए यही बहुत है कि उम्र के इस हिस्से में तुम मेरे साथ हो रही। ये काफी नहीं है निगार, क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, और खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम एहसास नदामत को और इस एहसास शर्मिंदगी को खुद से अलग कर दें और लोगों को बताएं कि हम गलत नहीं है, वो गलत है। किस किस को बताओगे कि हमने बस सिर्फ जिंदगी का एक दिन अपनी मर्जी से गुजारा? किस किस को समझाओगे कि उम्र अगर बढ़ जाए तो मोहब्बत ममनू नहीं होती? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आजकल लोग कोई वजूद नहीं रखते, सिर्फ सोशल मीडिया पे आईडीज रखते हैं। तो मैं मजीद तमाशा नहीं बनना चाहती रईस। Mm-hmm.